प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। दीदी और भैया, इस ग्रुप में, इस GY4YC सेलिब्रेशंस ग्रुप में इतने बर्थडेज़ मनते हैं, इतने एनिवर्सरीज़ होती हैं, और आप सब लोग फील करते होंगे कि परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माताजी के आशीर्वाद से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स इस ग्रुप में रहती हैं, है ना। सब लोग दिल से एक दूसरे को विश करते हैं, और अपने आप अपने घर में कोई बर्थडे हो, कोई एनिवर्सरी हो, कोई विशेष दिन हो, तो उसको यहाँ पे शेयर करते हैं, और बाकी सब परिजन एक तरीके से परम पूज्य गुरुजी परम वंदनीय माताजी के ही प्यार का माध्यम बन के एक दूसरे को विश करते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स इस ग्रुप में है। अब इसको हमें एक और तरीके से भी देखना चाहिए कि हम लोग का जब भी कोई अच्छा दिन होता है या ऐसा शुभ अवसर होता है, तो उसमें हमें कोई ना कोई एक नया सत्संकल्प तो ज़रूर लेना चाहिए, और आप सब लोग लेते भी होंगे पक्के से। लेकिन अभी क्योंकि ये GY4YC के अंतर्गत, ये जो ज्ञानी के सोशल मीडिया का जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत ये ग्रुप बना था, तो इसमें ना हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं, दो सत्संकल्प अपने बर्थडे पे कर सकते हैं। पहला सत्संकल्प तो ये है कि हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाए, है ना। सोशल मीडिया पे एक्टिव होके जो रोज़ रोज़ पुस्तकें आ रही हैं उसको हम लोग व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे शेयर करने का संकल्प लें। ये हमारी चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे हमारे बर्थडेज हों, या हमारे किसी सगे संबंधी के फैमिली में किसी का अगर बर्थडे एनिवर्सरी हो, तो हम लोग ये संकल्प करें। और दूसरा संकल्प हम लोग ये कर सकते हैं क्रियान्वित करने के लिए कि जो जिन भी परिजन का बर्थडे या एनिवर्सरी है, वो अपना एक वन बुक अ डे ग्रुप बनाए, है ना। तो वन बुक अ डे ग्रुप आप लोग अभी स्क्रीन में देख रहे होंगे कि वन बुक अ डे ग्रुप क्या होता है, कि इसमें एक क्लोज्ड ग्रुप रहता है जिसमें आप अपने जितने भी लोगों को जानते हैं, अपने सहकर्मी हो गए, अपने पड़ोसी हो गए, अपने रिश्तेदार हो गए, है ना, अपने नेबर्स हो गए, कॉलोनी में रहने वाले लोग हो गए, मित्रगण हो गए, पुराने नए जो भी हैं, परिचित हो गए, है ना, उन सबको आप इन ग्रुप्स में ऐड करते हैं। और इन ग्रुप्स में आप जो वन बुक अ डे जो भी परम पूज्य गुरुजी का सत्साहित्य जो ऑनलाइन अब रोज़ रोज़ आ रहा है ना, विद अलॉन्ग विद इट्स ऑडियो बुक लिंक, अलॉन्ग विद इट्स इंट्रोडक्शन बुक का पूरा पूरा लिंक, है ना, और लाइव स्वाध्याय सेशंस, इन सबको वहाँ पर आप शेयर करें, ताकि जो आपके जितने भी लोग हैं जिनको आप लोग जानते हैं, उन सबको परम पूज्य गुरुजी के साहित्य के बारे में मालूम चले, है ना। कब कौन सी पुस्तक वो पढ़ेंगे, कब कौन सी पुस्तक उनके जीवन को बिल्कुल चेंज कर देगी, आपको और मुझे नहीं मालूम, है ना। लेकिन हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य शायद बस ये है कि हम लोग एक डाकिये की तरह, एक पोस्टमैन की तरह, उन सब लोगों को परम पूज्य गुरुजी की पुस्तकों से अवगत कराते चले। और बर्थडे और एनिवर्सरी से अच्छे कोई दिन नहीं है जब हम लोग ये सत्संकल्प चालू करें, है ना। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग का जब भी आप लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन ग्रुप में बर्थडेज या एनिवर्सरी शेयर करते हैं, तो उस दिन आप ये ग्रुप के लिए भी अपना कन्फर्मेशन दे दीजिए, तो बैक एंड में आपका ग्रुप बना दिया जाएगा, आप उसके एडमिन रहेंगे, वो क्लोज ग्रुप रहेगा ताकि आप ही पोस्ट कर पाए, ताकि उसमें स्पैम ना आए, है ना। और उस ग्रुप का एक नंबर होगा जो आप लोग नंबर बता सकते हैं, कौन सा नंबर आपको चाहिए, जैसे आप यहाँ पे हैं बर्थडे, है ना। तो ये एक तरीका है करने का, है ना। फिर दूसरा तरीका जो है वो ये है कि इस नाम से भी ग्रुप बन रहे हैं, है ना, हैप्पी मोबाइल लाइब्रेरी। तो अब आप देख रहे हैं 22102410 1911, है ना, 16120410, ये वो नंबर्स हैं जब किन्हीं ना किन्हीं परिजन का बर्थडे था या एनिवर्सरी था, और उन लोगों ने सत्संकल्प लिया और उन लोगों ने ये ग्रुप्स चलाना चालू किया, और इस पर रोज़ रोज़ वो बहुत से लोगों को परम पूज्य गुरुजी की पुस्तकों से अवगत करवाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये गायत्री परिवार के हों, है ना। तो आप लोग भी अपने बर्थडेज़, अपने एनिवर्सरीज़ पे ये चीज़ ज़रूर चालू कीजिए। इसमें कुछ भी नहीं लगता, घर में बैठे बैठे आप कर सकते हैं, सारी सामग्री आपके पास रोज़ रोज़ आती है ज्ञान जी के सोशल मीडिया के ग्रुप से, है ना। और इससे जो इस पूरे मुहिम की, इस पूरे अभियान की जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य ये है कि पूरे 450 करोड़ लोग, है ना, जो सोशल मीडिया में इस समय जुड़े हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको पास परम पूज्य गुरुजी की पुस्तकें, उनके विचार, उनका साहित्य पहुँचे, है ना। और ये जो 450 करोड़ लोग हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे 780 करोड़ लोगों से इनका टच है। तो एक तरीके से जो मुख्य उद्देश्य है कि 780 करोड़ लोगों तक परम पूज्य गुरुजी का साहित्य पहुँचे, वो उस उद्देश्य की पूर्ति सोशल मीडिया को माध्यम बना के आपके इस बहुत ही बेहतरीन
जो है क्रम और बहुत ही बेहतरीन जो आप ये शुरुआत करेंगे उससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो दीदी और भैया, आशा है कि आप लोग अब से होने वाले सारे बर्थडेज और एनिवर्सरी पे ये क्रम भी चालू करेंगे और हम लोग अपनी अपनी जो इतना ज़्यादा स्वर्णिम अवसर हम सब लोग को मिला हुआ है, आशीर्वाद मिला हुआ है एक डाकिया बनने का, उसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से उसे निभा पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत नमन दीदी और भैया आप सब लोग के प्रयासों के लिए, और आशा है हम लोग इसको अब स्टार्ट कर पाएंगे। प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, जय गुरुदेव।